जिनके भी पेट में कीड़े होते हैं वो ये दांत किटकिट करते हैं। मैं भी बचपन में करता था, तो अब पहले माताओं को जितना पता था उतना ही लेती थी। तो एक तो वो जो स्टोव में यूज करते हैं ना, कौन सा तेल होता है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का फोया तो उन्होंने वो जो है पीछे लगा दिया बड़े चुन चुन हो रहे इसके, और फिर जो है उनको जितना पता था उतना कर लिया, और फिर मरवे की चटनी खिला दी। ये मरवे की चटनी या आड़ू के, आड़ू का या मरवे का रस, एक तुलसी होती है, एक मरवा होता है जिसमें सुगंध आता है वो, या कमीला चूर्ण, कमीला या विडंगासव, ये कीड़े की दवाई के नाम पर। और वैसे सुन लो, जो कपालभाति रोज करते हैं, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं, उनके पेट में कोई कीड़े नहीं होती। कीड़े की दवाई के नाम पर मेरे एक मित्र हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव रुड़की के, तो बोले स्वामी जी आपने कभी कीड़े की दवाई खाई? मैंने कहा मैंने तो खाई। बोले हम तो डॉक्टर लोग साल में दो बार पेट के कीड़े की दवाई जरूर खाते हैं। डॉक्टर लोग ना, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट इडियट लोग हैं, ये साल में दो बार कीड़े की दवाई जरूर खाते हैं। तो मेरे से बोले स्वामी जी आप भी खाओ जरूर। और जब वो ये बात हो गई काफी दिनों की, तो दो साल पहले की बात है, तो मैंने कहा भाई हम तो बचपन में एक बार कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कीड़े होते हैं तो दांत किटकिटाते, एक ये सोते समय पानी निकलता है, ये भी कीड़े के कारण से निकलता है, सोते समय जो लार टपकती है ना वो, और किसी किसी के ऐसे ये सफेद सफेद हो जाते हैं, ऐसे सफेद दाग नहीं, सफेद सफेद गोल गोल चकत्ते से, ये भी पेट की कीड़े की कृमि के कारण से होते हैं। तो मेरे को उन्होंने ऐसे ही बोले, नहीं मेरे कहने से एक बार खा लो आप। मैंने वो, और फिर इंडियन टॉयलेट में जाकर के मैं तीन दिन तक चेक करता रहा, एक कोई वर्म नहीं निकला। जो योग करता हो उसको पेट में न कीड़े होते हैं, ना दिमाग में कीड़े होते हैं, ना दिल में कीड़े होते हैं एक बार एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, नहीं तो लोगों के दिल दिमाग पेट में कीड़े घुसे हुए जहां देखो भाई सड़ते रहते हैं। कपाल भाति अनुलोम विलोम करो, पेट के कीड़ों की दवाई बता दी आपको, कमीला चूर्ण, मरुआ, आड़ू के पत्ते, और जो सुबह सुबह खाली पेट टमाटर खाते हैं उससे भी पेट की कृमि ठीक हो जाते हैं, और विडंगासव, छोटी छोटी कितनी चीजें हैं, या सप्ताह में महीने में एक बार ऐसे ही त्रिफला चूर्ण ले लिया करो। और जो गिलोय पीते हैं उनके पेट में कीड़े होते ही नहीं।